नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। नमस्कार, एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं रेणुका पांचाल आज आपको मंगल दोष के बारे में बताऊंगी। कुंडली में मंगल दोष कैसे देखा जाता है और इसके जातक पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये हम आज चर्चा करेंगे। कुंडली में जब मंगल दोष होता है तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं बारहवें भाव में जब मंगल होता है तो उसे मंगल दोष कहा जाता है। मंगल दोष के कारण व्यक्ति के विवाह में रुकावट पैदा होती है, व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होता है एवं मंगल दोष का निराकरण नहीं कराने से उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब कुंडली के प्रथम भाव में मंगल होता है तो व्यक्ति जो है बहुत एग्रेसिव या बहुत गुस्से वाला होता है। चतुर्थ भाव में मंगल होने पर उसे संपत्ति से संबंधित परेशानियों का सामना जीवन भर करना पड़ता है। अगर सप्तम भाव में मंगल है तो उस व्यक्ति की पत्नी हमेशा बीमार रहती है या उसे कष्ट बने रहते हैं। अष्टम भाव का मंगल व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा करता है, पत्नी या पति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। बारहवें भाव का मंगल कुंडली में अगर हो तो पति पत्नी के रिश्तों में दरार पैदा करता है, एक दूसरे के स्वास्थ्य को परेशानी आती है एवं मृत्यु तुल्य कष्ट देता है एक दूसरे को। इसलिए मंगल शांति कराना आवश्यक होता है। शादी से पहले कुंडली में अगर मांगलिक कुंडली है तो किसी भी व्यक्ति की अगर कुंडली मांगलिक है तो उससे तो उस कुंडली के लिए मंगल शांति कराना आवश्यक हो जाता है। मंगल के बारे में जैसा कहा गया है कि मंगल का जो कर्क रेखा जो गुजरी है, मंगल का जो स्थान है वो उज्जैन में माना गया है और उज्जैन में जो मंगलनाथ का मंदिर है वहाँ पर व्यक्ति को मंगल की शांति कराना चाहिए। वहाँ पर जो भात पूजा होती है उससे भी मंगल शांति होती है। अगर व्यक्ति को वैवाहिक सुख के अलावा भी मंगल शांति कराना जरूरी होता है क्योंकि उसके जो गुस्से वाले स्वभाव में काफ़ी फर्क पड़ता है अगर हम मंगल शांति करा लेते हैं। मंगल शांति होने से पति पत्नी के जीवन में सुख आते हैं एवं जब भी शादी करें कुंडली मिलाकर ही करनी चाहिए एवं दोनों ही मांगलिक कुंडलियाँ होनी चाहिए, तभी शादी के रिश्ते ज़्यादा समय तक चल पाते हैं। वरना मंगल होने से कई बार संबंधों में दरार आ जाती है एवं संबंध टूट जाते हैं। तो मंगल कुंडली के लिए या मांगलिक कुंडली के लिए मंगल शांति आवश्यक हो जाती है क्योंकि ऐसे अगर किसी मंगल वाले की शादी बिना मांगलिक कुंडली वाले से कर दी जाए तो उसमें क्या होता है कि मंगल वाला होता है गुस्से वाला और जो दूसरी कुंडली वाले होते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, तो कई बार क्या होता है कि आपसी रिश्ते उससे बिगड़ जाते हैं। तो मंगल के बारे में हमको समझना पड़ेगा। मंगल तेजी का कारक है और जो जब हम दूसरी कुंडली भी उसी प्रकार सेलेक्ट करते हैं तो रिश्तों में दरार नहीं आती है। तो मंगल बहुत ज़रूरी है, मंगल शांति करवाना और ये देख कर शादी करना कि दोनों ही मांगलिक कुंडली है या नहीं। जिन जातकों को कुंडली में मंगल दोष है वे घर पर भी ये उपाय कर सकते हैं, जैसे लाल गाय को घास खिलाना या चारा खिलाना और लाल मसूर होते हैं जो उन्हें जो है किसी भी देवी मंदिर पर 5 मंगलवार दान करना चाहिए। 1.25 किलो, 5 किलो, 10 किलो जितना भी अपनी श्रद्धा हो वो किसी भी देवी मंदिर पर लाल मसूर दान कर सकते हैं। इसके अलावा रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए, इससे भी मंगल की शांति होती है। अगर और भी हमें प्रॉब्लम हो रही है या ज़्यादा मंगल का कष्ट है तो हम इसके साथ मसूर, गुड़ और घी का दान कर सकते हैं। धन्यवाद। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।